तो आज की मैं आपसे इस वीडियो में नाजिया सलीम के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नाजिया सलीम आखिर कौन थी और उनकी एजुकेशन और उनकी फैमिली और साथ में कुछ फैक्ट्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्सटा चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे नाजिया सलीम के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि नाजिया सलीम कौन थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाजिया सलीम एक इराक में रहने वाली थी नाजिया सलीम एक इराक की कलाकार थी कलाकार होने के साथ साथ वह एक शिक्षक और लेखक भी थी और वह आज भी इराक की प्रभावशाली कलाकारों में से एक मानी जाती है वह कलाकार के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी और नाजिया सलीम फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग में माहिर थी अभी आपसे मैं नाजिया सलीम की लाइफ और फैमिली के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो नाजिया सलीम का जो जन्म था वो 1927 में टर्की में हुआ था उनके पिता की अगर बात करें तो उनके पिता एक चित्रकार थे और अगर उनकी माता की बात करें तो उनकी माता एक आर्टिस्ट थी इसी के साथ नाजिया सलीम के तीन भाई भी थे जो कला के क्षेत्र में ही काम करते थे नाजिया सलीम का जो एक भाई था वह इराक के सबसे प्रभावशाली मूर्ति कलाकारों में से एक माना जाता था और उनका जो दूसरा भाई था वह एक डिज़ाइनर था और जो उनका तीसरा भाई था वह एक कार्टूनिस्ट डिज़ाइनर था तो नाजिया सलीम जब छोटी थी वह शुरू से ही पेंटिंग का शौक़ रखती थी और अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स की पढ़ाई की थी अभी आपसे मैं नाजिया सलीम के फैक्ट्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें से सबसे पहला फैक्ट है कि फर्स्ट वोमन अवॉर्ड ए स्कॉलरशिप नाजिहा सलीम एक हार्ड वर्किंग वोमेन थी उनका जो लगाव था पेंटिंग की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा था वह एक पहली महिला बनी जिनको स्कॉलरशिप दी गई थी जिसके चलते वह अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकती थी तो अगले फैक्ट की बात करते हैं जो है आर्ट वर्क एट म्यूज़ियम तो नाजिया स्लीम के द्वारा जितने भी आर्ट वर्क बनाए गए हैं उन सब को म्यूज़ियम में रखा गया है उन आर्ट वर्क को जो लोग हैं वो आज भी देख सकते हैं तो मैंने आपसे इस वीडियो में सलीम के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया है मैंने आपसे डिस्कस किया है कि की सलीम आखिर कौन थी उनकी एजुकेशन लाइफ फैमिली के बारे में भी मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी तो अंत में दोस्तों अभी आपको जय वीडियो कैसी लगी अगर आपको जय वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना